हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप इस चैप्टर मतलब जो अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत, इससे अगर आपको कहीं सहायता मिल पा रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो वीडियो है हमारा, यह दूसरा वीडियो है प्रतिशत का। पहला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, उसे जरूर देख लीजिए, तो यह चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलते हैं आगे। हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत। तो आज हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने हर एक सवाल आता रहेगा और आपको उस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद मैं भी बताता हूँ उसको कैसे लगाना है। ठीक, चलिए। जैसा कि एक क्वेश्चन है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। शिक्षित कितने लोग हैं? 30%। एक गांव है जिसमें से 30% लोग क्या है? शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या जो है वह भी दिया है 6600। शिक्षित लोगों का प्रतिशत 30 है और उस गांव की कुल जो जनसंख्या है वह 6600 है। ठीक, तो आपसे प्रश्न में पूछा है तो उनमें से अशिक्षित लोगों की संख्या बताना है। अशिक्षित कितने लोग हैं यही हमें बताना है। आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु होती है वह अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। ठीक मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक गांव की जनसंख्या है तो वह गांव की जनसंख्या 100% के बराबर होगी, जिसमें से 30% जिसमें कह रहा है कि 30% शिक्षित हैं, तो बाकी 70% जो होंगे वह अशिक्षित होंगे। तो हम जानते हैं अगर 30 शिक्षित हैं, अशिक्षित जो है, अशिक्षित प्रतिशत कितना हो जाएगा? अशिक्षित प्रतिशत हो जाएगा 70%। ठीक मेरे प्यारे दोस्त, अशिक्षित प्रतिशत कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। ठीक, आप इस सवाल को परसेंटेज से भी हल कर सकते हैं, रेशियो से भी हल कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं ये जो कुल जनसंख्या 6600 दिया है यह 100% के बराबर है। 100% के बराबर कितना है? 6600। ठीक, 100% के बराबर कितना है? 6600। आपसे पूछा है अशिक्षित लोगों की संख्या, तो अशिक्षित लोगों की प्रतिशत कितना है? 70%। तो हमें 70% का मान निकाल देना है। 6600/100×70। ठीक, इतनी बात आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 0 2 0 यहाँ कर जाएगा, 70 का 66 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 7 6 42 4 7 6 42 42 4 46, यानी 4620 लोग ऐसे हैं उस गांव में जो क्या हैं? अशिक्षित हैं। क्या हैं? अशिक्षित हैं। चाहे सवाल आप ऐसे लगाइए या इसको रेशियो से लगाएंगे। रेशियो से कैसे लगाएंगे हम लोग, देखिए इस सवाल को रेशियो से कैसे हम हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर शिक्षित लोगों की जो प्रतिशत दिया है वह 30% दिया है। 30% का मतलब जानते हैं हम, 3/10 होता है। क्या होता है? 3/10। मतलब ये जो 10 है, देखिए भिन्न में क्या होता है, अगर 3/10 लिखा हुआ है, भिन्न का ये भिन्न है, ये क्या है मेरे दोस्तों? भिन्न है। भिन्न में जो नीचे यानी हर में जो मान दिया होता है वह टोटल संख्या होती है, मतलब टोटल का मान दिया है, यानी टोटल अनुपात की बात करते हैं। 10 अनुपात टोटल है, जिनमें से 3 लोग क्या हैं? 3 लोग शिक्षित हैं। 3 लोग शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितना हो जाएंगे? अशिक्षित कितने अनुपात हो जाएगा?
10 टोटल हैं। टोटल अनुपात शिक्षित और अशिक्षित मिला के 10 हैं, जिनमें से 3 क्या है शिक्षित। देखिए 3 क्या है, 3 इसमें से शिक्षित हैं और यह क्या है कुल संख्या है, कुल संख्या 10 है। तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे इसमें से, अशिक्षित कितने हो जाएंगे 7, अशिक्षित कितने हो जाएंगे 7। यानी हम कह सकते हैं कि 10 का मान कितना दिया है 6600, तो हमें कितने का मान निकालना है 7 का मान निकालना है। 6600 बटे 10 गुणे 7 कर देंगे, ये कट जाएगा 0 7 6 42, तप्पट भी कितना आएगा 4620, तप्पट भी कितना आएगा उत्तर इसका 4620 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगर प्रतिशत का जो मान दिया है मेरे दोस्त, अगर वह आसान है, मतलब अगर आसान है, जैसे मान लीजिए 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, ये सब आसान प्रतिशत होता है, तो इसको आप 100 ही मानकर लगाइए। लेकिन अगर कहीं भिन्न में प्रतिशत दिया, जैसे 12.5% दे दिया है, 37.5% दे दिया है, ठीक, तो ऐसे प्रतिशत को आप 100 मन के नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं लेकिन उसको लगाने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो ऐसे प्रतिशत को आप हमेशा भिन्न से लगाएंगे, रेशियो से लगाएंगे, तो यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। जैसा कि इसमें कहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, एक विद्यालय है जिसमें वाई की संख्या कितना है 70%, बाइक की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 70% हो गया, ठीक है, और लड़कियों की संख्या यानी गर्ल की संख्या कितना हो गया, गर्ल की संख्या दिया है इसमें 504, गर्ल की संख्या कितना दिया है 504 दिया है। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि लड़कों की संख्या बताइए कितना होगा, यानी लड़कों की हमें क्या बताना है, संख्या बताना है। ठीक है, देखिए 70% लड़के हैं, ठीक है, 70% का मतलब कितना होता है 7/10, 70% का मतलब कितना होता है 7/10 होता है, जिसमें से देखिए यह 10 तो कुल संख्या हो गया, यानी स्कूल में कुल कितने लड़के हैं, स्कूल में कुल कितने छात्र और छात्राएं, लड़के और लड़कियां मिलाकर हैं, वह कितने अनुपात में है 10 अनुपात में है 10, जिसमें से 7 क्या है, इसमें से 7 हो गए बॉय, 7 क्या है बॉय, तो गर्ल कितने अनुपात हो जाएंगे 3, गर्ल का अनुपात कितना हो जाएगा 3, गर्ल का अनुपात क्या हो जाएगा 3, अच्छा गर्ल का अनुपात 3, 3 का मान दिया कितना, 3 का मान दिया है 504, 3 का मान कितना दिया है 504, गर्ल की अनुपात कितना हो गया 3, और गर्ल का संख्या दिया है यानी लड़कियों की संख्या दिया है 504, तो हम कह सकते हैं 3 अनुपात के मान के बराबर कितना है 504। हमसे क्या पूछा है, बॉय की संख्या, लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है 7, लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है 7, तो 7 का मान निकालना हमें 504/3 गुणे 7, 3 से भाग करेंगे कर दिया गया 3×3 और 16×3 48 होता है, 2×3 8 24, 8×7 रुपया कर देंगे तो 7×8 56, 5×7 6 42, 42×5 47, 5×4 7×7 4 11, 1176 उस क्लास में यानी उस स्कूल में 1176 क्या हैं लड़के हैं, 1176 उस स्कूल में क्या हैं लड़कों की संख्या है। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल में कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की परीक्षार्थियों में अनुपात 30% उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण जो है 70% हुए हैं। एक स्कूल है जिनमें से कुल छात्रों में से
70% ही क्या है उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 70% क्या है पास हुए हैं। ठीक, यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही, यदि अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है 420 है। बातें आपको ध्यान से समझना है। तो प्रश्न में एक पूछा है परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, आपको समझ में सवाल आ गया होगा। इसमें कहा है कि उत्तीर्ण कितने हुए हैं 70%, और प्रतिशत किसका दिया है उत्तीर्ण, जो लोग पास हुए हैं। संख्या किसका दिया है, जो लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी जो लोग फेल हुए हैं। तो हमें सबसे पहले यह निकालना होगा कि कितने प्रतिशत ऐसे हैं स्कूल में, कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं यानी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, हम कह सकते हैं अगर 70% उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, सत्तर प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे 30%। बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आई, यानी अनुत्तीर्ण की प्रतिशत कितना हो गया 30, और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत संख्या क्या दिया है 70, सॉरी अनुत्तीर्ण के प्रतिशत कितना हो गया 30, लेकिन अनुत्तीर्ण की संख्या क्या दिया है 420। यानी हम कह सकते हैं कि 30 का जो मान है, 30% का मान है वह क्या दिया है 420। तो हमसे पूछा है कि कुल संख्या बताइए, परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताइए। परीक्षार्थियों की कुल संख्या तो 100% होगी, परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी प्रतिशत होगी 100%। तो 100% का मान निकाल देना है आपको, 100% का मान निकालेंगे तो 420 बटे 30 गुणे 100। ठीक है, इसको भाग देकर आप लगा सकते हैं, 3 से भाग करेंगे तो 14 42, यानी कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना हो गया 1400। कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी आ गई 1400 आ गई कुल परीक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल मेरे दोस्तों अगला टाइप का है, तो इस टाइप को आपको पहले समझना होगा, इसके बाद सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप इस टाइप को समझेंगे, इसके बाद सवाल को करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। जैसे आप लोग जानते हैं, देखिए अब हम जा रहे हैं कमी या वृद्धि पर सवाल सॉल्व करने। जैसे मान लीजिए कहा जाता है सवाल में कि अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितना प्रतिशत कमी करें ताकि हमारे खर्चा पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इस प्रकार का सवाल आप लोग कैसे हल करेंगे, सबसे पहले उसका आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे देखिए आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे अगर आप सामान खरीदने दुकान पर चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी का मूल्य 5 रुपये प्रति किलो है, चीनी का मूल्य कितना है 5 रुपया प्रति किलो, लेकिन आपका खर्चा आपका खपत कितना है, आप एक दिन में कितना खपत कर दे रहे हैं चीनी 2 किलोग्राम। चीनी का मूल्य कितना है 5 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य है, और आप एक दिन में कितना खपत कर रहे हैं 2 किलोग्राम खपत कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारा एक दिन में खर्चा कितना हो रहा है, तो एक दिन में आपका खर्चा कितना हो रहा है दोस्तों 10 रुपये आपका खर्चा हो रहा है। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है कि मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है खर्चा, मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है खर्चा होता है। आप 5 रुपया प्रति किलो चीनी खरीद रहे हैं दुकान पर, लेकिन आप एक दिन में चीनी कितना खपत कर दे रहे हैं 2 किलो, यानी आपका एक दिन में चीनी में कितना खर्चा हो रहा है 10 रुपये। इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं, क्लियर इतनी बात। देखिए अब हम सवाल में आपसे यह कहेगा कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में या तो कहेगा वृद्धि हो गई या तो कमी हो गई। तो कहेगा
खपत में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि करनी होगी जिससे कि हमारा खर्च ना बदले, खर्च जितना है उतना ही रहे। जैसे मान लीजिए आप दुकान पर गए सामान खरीदने, चीनी खरीदने दुकान पर चले गए। अब आपको, आप जानते हैं कि पहले चीनी का दाम 5 रुपया था, आप चीनी 2 किलो खरीद कर ला रहे थे तो आपका खर्चा कितना हो रहा था, 10 रुपये। लेकिन अगले दिन जो ही आप चीनी खरीदने दुकान पर गए हैं तो उस दिन क्या हुआ कि चीनी का मूल्य बढ़ गया, चीनी का मूल्य घट जाए या बढ़े या कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर अगले ही दिन आप दुकान पर गए तो दुकानदार ने कहा भैया चीनी का दाम इस समय घट गया है, चीनी का दाम क्या हो गया, घट गया है, तो आप कहेंगे भैया हम तो 10 रुपये का ही चीनी लेंगे क्योंकि हमसे, हमारे घर में, घर से हमें 10 रुपये मिला है तो चीनी हम 10 रुपये का ही लेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपका खर्चा ना बदले, आपका खर्चा न बदले तो इस कंडीशन में आप चीनी 2 किलो, चीनी का मूल्य 2 रुपया हो गया है तो आप चीनी कितना खरीदेंगे, 5 किलो खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, 5 किलो। समझ में आया आपको, दुकानदार ने कहा भैया चीनी का दाम घट गया, चीनी तो 2 रुपये किलो हो गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारा खर्चा नहीं बदलना चाहिए, हम कल भी 10 रुपये खर्च कर रहे थे और आज भी 10 रुपये ही खर्च करेंगे, तो इस कंडीशन में चीनी का दाम 2 रुपये हो गया है तो इस कंडीशन में आप चीनी कितना किलो खरीद कर लाएंगे, 5 किलो चीनी खरीद कर लाएंगे, तो आपका खर्चा नहीं बदलेगा। ठीक बात, चलिए दोस्तों, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर आपका खर्चा न बदले इस कंडीशन में जो मूल्य और खपत का अनुपात होगा वह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए मूल्य, पहले मूल्य का अनुपात क्या था, 5, पहले मूल्य का अनुपात क्या था, 5, लेकिन अब कितना हो गया, 2 हो गया। पहले खपत आपका 2 हो रहा था लेकिन अब 5 हो गया। तो हम कह रहे हैं कि अगर खपत नहीं, खर्चा नहीं बदलना है तो इस कंडीशन में आपका जो मूल्य और खपत का रेशियो होगा, अनुपात होगा, वह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, इस कंसेप्ट पर हम लोग सवाल हल करेंगे। जैसे देखिए कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। यदि एक गृहिणी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए चीनी की कीमत, चीनी का जो कीमत है वह 25% क्या हो गया, वृद्धि हो गया, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। तो 25% का जो भिन्नात्मक मान है, यानी भिन्न में क्या हो जाएगा इसका मान, 25% का मतलब 1/4, मतलब पहले इसका मूल्य 4 रुपये था, पहले इसका मूल्य चीनी का कितना था, 4 रुपये, लेकिन घटने के बाद कितना हो गया, बढ़ने के बाद 25% की वृद्धि हुआ है, मतलब 1 की वृद्धि हुई है, तो अब कितना हो गया, 5। पहले मूल्य इसका कितना था, 4, अब कितना हो गया, 5, तो खपत क्या हो जाएगा, 5:4। पहले मूल्य क्या था, 5, और अब कितना हो गया है, पहले मूल्य कितना था, 4, लेकिन अब मूल्य कितना हो गया है, 5, तो इसका खपत भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका यह मूल्य है और यह क्या है, खपत। तो कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्चा पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि उसके खर्चा पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम देख रहे हैं कितने की कमी हो रही है, 1 की, किस पर, 5 पर, 1/5, 1/5 आप जानते हैं कितना होता है, 20%। तो 20% की उसके खपत में कमी करनी होगी जिससे कि उसके खर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से
एक कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्चा न बढ़े। देखिए कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है, चीनी का मूल्य 40% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया तो कह रहा है कि कितने पर उसके खपत में कितना कमी कर दें ताकि खर्चा पर कोई प्रभाव न पड़े। तो हम जानते हैं 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। 20% का माने 1/5, 20 का दोगुना है तो 1/5 का दोगुना कर देंगे, 2/5 हो जाएगा। यानी पहले चीनी का मूल्य कितना था, 5 रुपया, पहले चीनी का मूल्य कितना था 5 रुपया, लेकिन अब 2 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 7। पहले चीनी का मूल्य कितना था 5, लेकिन बढ़कर कितना हो गया 7, यह मूल्य है। तो खपत क्या हो जाएगा इसका, खपत इसी का उल्टा हो जाता है, खपत हो जाएगा 7:5 का रेशियो। ठीक, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 7:5 हो गया, कितना का कमी हो गया, 2 का, किस पर, 7 पर। ठीक है, 2/7 अनुपात की कमी करनी पड़ेगी, हमें परसेंटेज में पूछा है। हम जानते हैं 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, लेकिन दोगुना है तो यह हो जाएगा 28 सही 4/7 प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी उसके खपत में ताकि उसके खर्चा पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ए बी, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की, ए की आय बी की आय से 25% कम हो, 25% का मान कितना होता है 1/4। ए की आय बी की आय से क्या है, 25% कम है, बी की आय से 25% कम है, यानी ए 4 का अगर 25% निकालेंगे तो 1 आएगा। बी की आय से ए की आय कितना कम है, 25%, मतलब बी की आय अगर 4 है तो ए की आय कितना है, 1 कम, 3 हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा है हमसे, तो ए की आय बी की आय से कितना, प्रश्न में हमसे पूछा है कि जो बी की आय है वह ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, ए से कितना परसेंट अधिक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक अधिक है, किस पर, 3 पर। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 हो गया, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो यह होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भैया, आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।